हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इंफॉर्मेशन। ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उसके अंडर जगह निकली है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है अभी। वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। ओके, तो ये करियर्स में आपको मिल जाएगा, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, इसकी जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए निकली है। क्रैकर ऑपरेशन, पॉलीमर ऑपरेशन, यू एंड ओ ऑपरेशन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, फायर, सीटीएस, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सैप। हर एक के लिए अलग अलग वैकेंसी। ये सारी एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है और यहाँ पे आपको दिखेगा नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये सारे लगभग दहेज मतलब लोकेशन है वो दहेज मिलेगी। ओके, सारे लोकेशन वहीं पे है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई। ओके, अप्लाई करने के लिए। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये लिंक जो है मिल जाएगा, तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जाओगे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हर एक के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे मैंने बोला, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो है दहेज, तो वो सबके लिए सेम ही है। और लगभग ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, एक मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है। बाकी आपका जो क्वालिफिकेशन है अभी ये है क्रैकर्स की, तो क्रैकर्स मोस्टली मतलब केमिकल और पेट्रोकेमिकल, आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, हैंडसॉन्ग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा। 28 आपकी उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ये है। बाद में अगर आपको पॉलीमर ऑपरेशन का बताओ तो सेम है। पॉलीमर ऑपरेशन में मतलब आपको पॉलीमर टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल पेट्रोकेमिकल में चाहिए, 3 पोस्ट के लिए, DY, बाद में सीनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक्सपीरियंस वेरी किया है। और CTC भी, एनुअल CTC भी बता दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सब फिक्स है। 28, 32 और 38, 133 ये वैकेंसीज मिल जाएगा। बाकी आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। जो भी आप मल्टीप्लाई अप्लीकेशंस भी डाल सकते हो, जैसे यू एंड ऑपरेशन के लिए मैकेनिकल या फिर केमिकल में आपका हुआ है और आपका 136 जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में मैकेनिकल, अभी सीधी सी बात है, मैकेनिकल मेंटेनेंस मतलब जो भी पोस्ट होगी वो होगी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके, तो जिनका भी डिग्री उसमें हुआ है वो लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, 2 पोस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का एक ही वैकेंसी है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए आप मिनिमम 1 ईयर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का भी वैसा ही है, यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ओके, 32 अगेन आपका एज लिमिट। बाद में फायर, फायर का जो भी फायर इंजीनियरिंग में किसका बैचलर इन फायर इंजीनियरिंग, तो मैनेजर पोस्ट के लिए निकला है, 12 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा, और अप्लाई कर सकते जो भी एलिजिबल है। बाद में CTS जो है, ये भी मतलब यहाँ पे भी आपको जो सेंट्रल टेक्निकल सर्विसेज है जो पोस्ट है उसमें भी आप अगर आपका केमिकल पेट्रोकेमिकल पॉलीमर टेक्नोलॉजी में हुआ है तो अगर आपका एक्सपीरियंस 6 से 15 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फाइनेंस, फाइनेंस के लिए भी जो CA और ICWA विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर है आपका 3 साल का तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में IT, सिंपल आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन IT या कंप्यूटर साइंस में आपका अगर हुआ 21 साल का एक्सपीरियंस, जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए है ये पोस्ट। ओके, उसके बाद में SAP। ओके, SAP के लिए भी आपको ये जो लिंक है इसमें जाना है, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, DY मैनेजर, उसके बाद में जो SAP MMA मटेरियल मैनेजमेंट, उसके लिए 6 साल एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर। तो ये मिक्स जगह निकली, मतलब कहीं पे एक्सपीरियंस लग रहा है अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव DY मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है क्रैकर ऑपरेशन, ओके, उसके लिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जूनियर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, मतलब जो जिनका केमिकल पेट्रोकेमिकल में हुआ है वो लोग तो बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन दे आर फ्रेशर्स, ओके, दे कैन अप्लाई। आपका डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे जो भी मतलब जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करने वाले। बाद में पॉलीमर ऑपरेशन, अगेन सेम, यू नीड टू हैव डिप्लोमा इन पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल और केमिकल, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड 5 वैकेंसीज, अच्छे खासे। तो सारी की पोस्टिंग जो है वो दहेज में है, इनका प्लांट दहेज में है। ओके, तो 7 जुलाई से पहले अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये लिंक आपको जो मेन लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सब्सक्राइब करो, जो लोग एलिजिबल है अप्लाई करो, नहीं है तो शेयर करो जो भी लोग एलिजिबल है।
और उसके हिसाब से अप्लाई करो। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको, और एक चीज़ बताना रह गया, जब आप ये जो उन्होंने एक क्वालिफिकेशन बताया, आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गाइडलाइंस, मतलब कैसे फॉर्म भरना है, 10 और 12 का चाहिए, हर एक का बीटेक का कैसा चाहिए, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे आपको अप्लाई नाउ पे, मतलब जैसे आप फाइनल अप्लाई करने जाओगे या कंफर्म करने जाओगे, उससे पहले आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी जो फोटोग्राफ जो भी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो जो एलिजिबल है अप्लाई करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे के जो नोटिफिकेशंस आएंगे नए नए आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरी वन, थैंक यू ऑल।